हम लोग हॉर्स राइडिंग के लिए पूछ के आए हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, ये देखो कितनी बर्फ हो रही है यार। तो है गाइस, सेकंड व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आज मैं आप लोगों के रिजॉर्ट दिखाऊंगा, और आज बहुत सारी मस्ती है तो आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका, ये जो आपका एंट्री, यहाँ की बहुत ज़्यादा बर्फ है। हमें वो जो छोटे छोटे हट दिख रहे हैं, वो दो हट में रुकना है। बहुत ध्यान से उतरना पड़ रहा है, बहुत स्लिपरी है। आप लोग इतने देखो, यहाँ पे इस समय अभी -2 डिग्री हो रहा है। बहुत मजे आने वाले हैं रात को। तो अभी देखो कितनी ज्यादा बर्फ है, स्लिपरी हो रही है बर्फ थोड़ी, क्योंकि एक दिन पुरानी हो चुकी है। पैर पूरा दस रहा है इसके अंदर। और आपका ये हमारा आज का स्टे है ना। तो मैं अंदर से भी आपको दिखाता हूँ। ये आपका अंदर से बेडरूम है। तो बस आज हम लोग यहाँ रुकने वाले हैं, तो बस मिलते हैं। अभी सब लोग सारा सामान रख दे, फिर मिलते हैं। तो अभी हम लोग खाना वाना खाने जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने चिकन ऑर्डर करा है, तो भैया अभी लेने का चिकन, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पानी नहीं आ रहा है। तो भैया अभी थोड़ी 5-10 मिनट में चिकन विकन आएगा, तो उससे हम खाएंगे गरम गरम। चलो जैसे ही आता फिर हम खाते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा जाएगा चिकन है। चलो तो अभी हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, अभी हम लोग बॉनफायर करने जा रहे हैं। अभी पता नहीं बॉनफायर हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि अभी स्टिक्स सामने एक पार्टी आई हुई है जिसने वो स्टिक्स भी यूज़ कर ली हमारी भी। तो अभी भैया देख रहे हैं, अगर इंतजाम होगा तो करेंगे, वरना नहीं। क्योंकि भैया कह रहे हैं अभी इस समय ऊपर जाके स्टिक्स नहीं ला सकते, क्योंकि इस समय वहाँ ऊपर जाना सेफ नहीं है। तो अगर नहीं होगी तो हम लोग फिर सोने चले जाएंगे, क्योंकि अभी लेट नाइट हो गया, 12 बज रहे हैं। तो चलो देखते हैं क्या होता, बॉनफायर होती कि नहीं। तो अभी बॉनफायर तो नहीं हो पाएगी, वो मैंने आपको रीज़न बताया क्यों, वो भैया मना कर रहे हैं, मिल भी नहीं पाई स्टिक्स। तो कोई नहीं, अभी हम लोग सोने जा रहे हैं सब। तो अब हम लोग डायरेक्टली कल सुबह मिलेंगे, कल सुबह 6 बजे उठने की कोशिश करूँगा, और काश सनराइज शूट हो जाए ताकि आप लोगों को हाइपर लैप्स और मोशन लैप्स दिखा सकूँ। तो चलो देखते कल सुबह उठ पाते हैं कि नहीं। चलो तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते कल सुबह। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी आपका सुबह के 8:30 बज रहे हैं। अभी सिर्फ मैं, पापा, मम्मी उठे हैं, आर्यन भाई भी सो रहे हैं। तो कल रात बहुत ज़्यादा ठंड थी, सब लोग काम काम के सोए हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है। पर आज मैं, कल मेरी वीडियो में थोड़े से एक्चुअली सीनिक शॉट इसलिए नहीं ले पाया था, क्योंकि बहुत यहाँ पर अंधेरा हो गया था, तो सीनिक व्यूज आते नहीं, तो इसलिए मैं आपको आज सीनिक व्यूज देता हूँ। कुछ जितने में हम लोग आर्यन और भाई उठे हैं, इतने आप लोग सीनिक व्यूज देखे इतने। जितने भाई और आर्यन सो रहे हैं, पापा और मैं यहाँ पर आए ऊपर ट्रैक करने। अभी यहाँ से बहुत तगड़ा व्यू है, अभी मैं आप लोगों को वो व्यू शूट करके दिखाता हूँ। देखो कितनी ज्यादा बर्फ हो रही है यहाँ पर। अभी थोड़ी स्लिपरी आई, थोड़ा ध्यान से चलना पड़ रहा है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कितनी बर्फ है। ये देखो यहाँ पे पूरा बर्फ से शिमला ढका पड़ा है। यहाँ पे भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। देखिए कितना ज्यादा बर्फ यहाँ जमा पड़ा है। इस समय भी -2 डिग्री हो रहा है यहाँ पर। हिमालय सबसे बेस्ट जगह हमने देखी आज तक की। इतने हम आज तक इतने सारे हम माउंटेन्स घूमे, लेकिन बेस्ट माउंटेन हमें ये लगा है। इतनी फ्रेश बर्फ हमने पहली बार देखी होगी। चलो आगे चले। तो भी हम लोग ऊपर आए गाड़ी की तरफ,
कल कुछ गाड़ी में सामान रह गया था तो कल रात तो आ नहीं सकते थे क्योंकि बहुत अंधेरा हो रहा था। तो अभी पापुर में आए, वो सामान लेके जाएंगे यहाँ से। इतने में आप लोगों को गाड़ी के आसपास का व्यू दिखाता हूँ। हॉर्स राइडिंग तो अभी कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि अभी वहाँ पे हम गए हॉर्स राइडिंग के स्पॉट पर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हुई पड़ी है। तो भाई अपने को कोरोना वोरोना तो नहीं कराना, इसलिए अभी उस कल कह रहा है वो भीड़ कम होगी, तो कल जाके देखें, तो कल के व्लॉग में देख लेना। अभी तो हम लोग यहीं पर ही मस्ती कर रहे हैं, यहीं पर अभी भाई मैं और आर्यन ट्रैक पर जा रहे हैं, चलो ट्रैक पर चले। तो अभी हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, निकल रहे हैं। अभी यहाँ पर अभी टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ है, जाके थोड़ी सी धूप आई है, अब जाके थोड़ा रिलीफ मिला है। तो अभी हम लोग यहीं पर ही अपने रिजॉर्ट के पास ही ट्रैकिंग करेंगे थोड़ी सी। यहाँ पर नीचे जाने का एक रास्ता है, चलो वहाँ पर चलते हैं। आज आप लोग बताओ, कमेंट करा करो यार, कमेंट और लाइक कर जरूर करा करो। यहाँ पे बहुत मुश्किल है चलना, पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है। पर आज मैंने बहुत सारे सिनेमेटिक वीडियोज डाली, क्लिप्स भी डाली हैं बहुत सारी, बताओ कैसी क्लिप्स लगी और कमेंट में जरूर बताया करो। पर्सनली ना मैसेज करके ना सीधा कमेंट में बता दिया करो कैसी लगी वीडियो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। बहुत ज़्यादा ठंड है यार, लेकिन कैसे से अभी भी यहाँ पे 2-3 degrees तो हुई रहा है। कोई नहीं, देखते बहुत ध्यान से चलना पड़ रहा है। अभी यहाँ पर आपका स्लिपरी बहुत है, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो यहाँ पर एक एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ आ गिरी हुई है, मतलब पूरा आपका लैंड ही बर्फ से जमा पड़ा है। चले यहाँ से चले नीचे, आराम सारे। तो अभी बस यहाँ से मैं पहले वहाँ पहुँच जाऊँ, फिर मैं आपको वीडियो दिखा दूँ, ठीक है? चलो मिलते हैं। अभी हम पहुंच के देखो पूरा बर्फ बर्फ ढका पड़ा है। सिर्फ हमारे होटल के पास एक यही एरिया जहाँ पे पूरा बर्फ से ढका हुआ है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आके थोड़ा ठंड लगती है क्योंकि यहाँ पे धूप भी नहीं है, यहाँ पे पेड़ों की शेड है ना बहुत सारी, तो इसलिए ये देखो यहाँ पर पूरी बर्फ आपकी है, पूरा बर्फ से ढका हुआ आपका है। बहुत बढ़िया जगह यार कुफरी, मजा आए। तो व्लॉग को बस यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। और कल आपका आखिरी ब्लॉग आएगा तो उस पर जल्दी से लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और इस वीडियो पे कम से कम 20-30 कमेंट करना और बताना कि आपको सिनेमैटिक सीन्स कैसे लगे। तो मिलते हैं कल सुबह, बाय बाय।